नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का हमारा गद्य 16 चोरी इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। इस गद्य के लेखक हैं यशपाल जैन। तो पहले हम यशपाल जी का परिचय समझ लें। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। कस्बा यानी इलाका। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई है, यानी आपने बाल साहित्य लिखा है। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता, इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए, हमें इसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर घर के नौकर की बात है। घर का एक छोटा सा परिवार है। इस परिवार में दो व्यक्ति रहते हैं। एक घर का मालिक है नंदन और उनकी पत्नी मालती। उसके घर में एक नौकर है जो छोटा सा बालक है और उस बालक का नाम है बिंदु। बिंदु उनके घर में नौकर रहता है। खाना पीना सभी उनका उन्हीं के घर पर होता है। एक दिन घटना ऐसी होती है कि बिंदु झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा जो है वो झाड़ूदान पर रख कर वो उसे फेंकने जा रहा था, लेकिन उनका एक हाथ जो था उसमें मुट्ठी बंधी हुई थी और उस मुट्ठी में कुछ था, कुछ कीमती चीज हो ऐसा मालती को लगता है। मालती देख लेती है कि हो न हो बिंदु कुछ कीमती चीज लेकर जा रहा है, तो वो बिंदु को पुकारती है, ए बिंदु वापस आ, क्या है तुम्हारे हाथ में। तो मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु जो है वो और तेज़ी से भागने लगता है। तो मालती को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि हो न हो बिंदु कुछ अवश्य ले जा रहा है कीमती चीज। तो वो जाकर नंदन से कहती है कि बिंदु जो है वो कुछ कीमती चीज ले जा रहा है। इतने में बिंदु वापस आ जाता है। मालती उसे खूब फटकारती है, खूब डांटती है, भला बुरा कहती है, लेकिन बिंदु अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द का भी उत्तर नहीं देता। और फिर मालती के बहुत डांटने पर बिंदु जो है वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और तब नंदन को पता चलता है कि बिंदु जो है वो घर में नहीं है। वो मालती से पूछता है कि बिंदु कहाँ है, तो मालती कहती है कि वो तो उसी वक्त चला गया था जब ये घटना हुई थी। तो शाम ऐसा करके शाम होने आती है। आज बिंदु घर से चला गया है, उनका खाना भी चौक में पड़ा हुआ है। शाम का वक्त था। मालती सहन में इधर उधर घूम रही थी। सहन यानी घर में जो खुली जगह होती है, घर के बीच में आंगन में खुली जगह में घूम रही थी। इतने में कुंदन आता है। मालती उससे पूछती है कि तुमने बिंदु को देखा, तो कुंदन कहता है कि वो अपनी नदी वाली कुटिया में पड़ा रो रहा है।
या पड़ा है, तो मालती को बहुत चिंता होती है। वो तुरंत उस नदी वाली उनकी जो कुटिया है वहाँ जाती है और बिंदु को ले आती है। फिर वो उसे नंदन के पास ले जाती है। नंदन बड़े प्यार से बिंदु को पूछता है कि क्या हुआ था बता। बहुत प्यार से पूछने पर बिंदु कहता है कि थोड़ा सा मेवा और किशमिश घर में पड़ी थी तो बिंदु ने उसे ले लिया था, लेकिन मालती ने जब उसे टोका तो उसे डर लगा कि शायद ये मुझे बहुत डांटेंगे। तो जब वो कूड़ा डालने गया था उस वक्त काजू और किशमिश भी वहीं पर डाल आया था। जब नंदन और मालती वहाँ देखने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े काजू और किशमिश सच में पड़े हुए थे। तो नंदन जो है वो मालती को डांटता है। वो कहता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो सबको मिलनी चाहिए, ये तो छोटा बच्चा है, चोरी करने की उसे आवश्यकता तब पड़ी जब हमने उसे दिया नहीं, ये बालक है। और थोड़ी सी काजू और किशमिश उसने ले भी ली तो क्या हुआ। तो बाद में मालती को इस बात से पछतावा होता है और वो नंदन को लेकर आती है। फिर नंदन बिंदु से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन बिंदु के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटता। नहीं फूटता मतलब वो एक भी शब्द का जवाब जो है वो नहीं देता, उनकी आँख से आंसू बहने लगते हैं। मालती को अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है। उसने उसके मन में यही बात बार बार आती है कि ये बच्चा है, आखिर उसने इतनी छोटी सी तो बात की, इतना छोटी सी तो चीज़ें ली थी, तो उनमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और फिर वो एक माँ की तरह बिंदु को खाना खिलाने लगती हैं और बिंदु से कहती हैं कि भूखा मत रहना, अच्छी तरह से खा लेना। ये देखकर नंदन को आत्मसंतोष होता है। तो इस कहानी का कहने का लेखक का जो तात्पर्य है ये है कि हमारे जीवन में हमने भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो हम तो उनका उपयोग कर ही रहे हैं, हम अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो नौकर होते हैं उसे भी हमें ये सभी चीज़ें देनी चाहिए ताकि जीवन में किसी को कभी कोई चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। तो दोस्तों अब हम इस गद्य को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये तो उनका सार था गद्य का कि घटना क्या होती है और ये पाठ का नाम चोरी क्यों है। तो अब हम इस गद्य को समझेंगे। कमरों को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उनकी ओर अनायास ही चला गया। बिंदु छोटा सा बच्चा है, वो मालती के घर में नौकर है, और जब कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रख के, कूड़ा यानी कचरा रख के जब बिंदु कमरे से बाहर निकलता है तब बरामदे में बैठी यानी आंगन में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायासी उन पर चला गया। अनायास यानी अचानक। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है। मालती क्या देखती है कि बिंदु के एक हाथ में तो झाड़ू है लेकिन दूसरे हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ करके रख ली गई है। तो बिंदु ने क्या किया था, जानबूझकर मुट्ठी बांधकर पीछे ऐसे छुपा ली थी ताकि मालती का ध्यान जो है वो उस पर न जाए। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया, तो मालती को ऐसा लगता है कि हो न हो बिंदु जो है वो कमरे से कुछ लेकर आया है। उसने कहा, बिंदु, बिंदु को पुकारा,
मालती ने बिंदु को पुकारा। दो कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। बिंदु कितनी दूर था मालती से? दो कदम दूर था, लेकिन मालती को लगा जैसे बिंदु ने उसकी बात जो है, आवाज़ जो है, वो सुनी ही न हो। यानी बिंदु ने सुनकर मालती की आवाज़ को अनसुना कर दिया। वह चलता ही गया, मालती पुकारती रही, बिंदु चलता रहा। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। लेकिन मालती क्या देखती है कि जैसे उसने बिंदु को पुकारा तो बिंदु तेजी से चलने लगा। उनकी चाल में मालती की आवाज़ सुनकर और तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहरो, ठहर, कहाँ जाता है? तो मालती को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने बिंदु को कहा कि बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, तू कहाँ जा रहा है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। तो जैसे मालती उसे डांटती हैं तो बिंदु तेजी से दौड़ने लगता है। वो गया, मालती देखती रही। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। अब मालती को बिंदु पर शक हो गया और शक करने के लिए ये जो घटना हुई वो काफ़ी थी। क्या घटना हुई कि मालती ने बिंदु को रुकने के लिए कहा, लेकिन बिंदु रुका नहीं और जैसे उसने जोर से आवाज़ लगाई तो बिंदु दौड़कर चला गया। तो ये मालती के मन में शक पैदा करने के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। वो अपने पति को जोर से आवाज़ लगाती है और कहती है कि सुनते हो, देखो बिंदु कुछ लेकर जा रहा है, जल्दी आओ। उनके पति को बुलाती हैं कि जल्दी आ जाओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। तो उस वक्त मालती का पति नंदन अपने कमरे में बैठे हुए अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यों चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे। मालती इस प्रकार चिल्ला रही थी, ये नंदन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा कि मालती इसे टाल दे, यानी उनकी बात न सुने। पर मालती माने तब न, लेकिन मालती जो है वो मानने के लिए तैयार ही न थी। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। इतने में जल्दी से, झड़प से, तेजी से मालती जो है वो नंदन के पास कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं कि झटपट चलो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ दबाकर ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। तो नंदन जो हैं वह कलम को एक और रख देते हैं और जैसे उसे जबरदस्ती कोई उठा रहा है उस प्रकार जबरदस्ती वो उठकर बाहर आता है। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। जैसे ही नंदन कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि बिंदु जो है वो बाहर से लौटकर घर में आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, बिंदु के एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है। रीता मतलब खाली, रीता शब्द का अर्थ है खाली। तो एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा बिल्कुल रीता मतलब खाली है और नीचे लटका रहा है, यानी उनका हाथ नीचे लटक रहा है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। अब जैसे ही मालती ने बिंदु को देखा तो जोर से उस पर गुस्सा हो गई। उबल पड़ना मतलब गुस्सा होना। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही और तू रुका तक नहीं। मालती कहती हैं, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़
गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। यहाँ पर गला फाड़ना ये एक मुहावरा है और ये हमारे प्रश्न पत्र में पूछा भी जाता है। तो गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना, गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना। और यहाँ पर आपको वाक्य भी बनाना है कि मालती बिंदु को गला फाड़कर बुला रही थी, कि जो भी आपके मन में जो सही आपको लगे वही वाक्य बनाना है। लेकिन गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना, ये मुहावरा है। तो बिंदु जो है उस बिंदु को मालती कहती है कि क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तो रुका भी नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। पूछती हैं कि बता तू हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी। अब बिंदु का चेहरा फिक्का पड़ गया, बेचारा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं ले गया था बीबी जी, झूठा कहीं का। क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती कहती हैं कि तू झूठा है, चल झूठा झूठा कहीं का। क्यों रे तेरे हाथ में अगर कुछ नहीं था तो मैंने तुझे जब पुकारा तो तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, यानी गुस्से से बिंदु को पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, अब बेचारा छोटा बालक था तो डर गया, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उनसे अब बोला भी नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे, अब जवाब दे भी तो क्या दे। तब नंदन आगे बढ़ा, मालती का पति, तब नंदन आगे आता है, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। नंदन प्यार से बिंदु से पूछता है कि तुम घबराओ मत, डरो मत और सही में बताओ कि तुम क्या लेकर गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू ही थी और कूड़ा था। तो कहता है कि मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू ही थी और कूड़ा ही था। फिर झूठ, फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़ कर कहा। तो मालती गुस्सा हो जाती है, कहती है फिर वही झूठ बोलता है, उससे पुलिस में दे दो। मालती उसे डराना चाहती थी कि उसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं, यहाँ पर लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये कहावत है और ये कहावत भी हमारे प्रश्न पत्र में पूछी जाती है। तो लातों के देव बातों से नहीं मानते, कहावत का अर्थ है जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, यानी व्यक्ति जैसा हो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा अर्थ है बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें तब भी वो मानता नहीं है, यानी जैसा व्यक्ति हो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर मालती कहती है कि ये तो लातों का देव है, बातों से नहीं मानता, यानी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो है, यानी कि बुरे लोग जो हैं वो बातों से नहीं, अच्छी बातों से अच्छे व्यवहार से नहीं मानता, इसलिए उसे पुलिस में दे दो, ये लातों का देव है, ये बातों से नहीं मानने वाला। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। तो मालती कहती कि हमने इस बेईमान के ऊपर अपना घर छोड़ रखा है, यानी विश्वास करके उनके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी सौंप रखी है, और वो इसी लिए कि वो चीज़ उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। हमने उन पर विश्वास किया है और ये हमारे घर की चीज़ें जो हैं वो उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से हमसे सच भी न बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा,
नंदन मालती को पहले शांत करता है और फिर कहता है, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नंदन मालती से कहता है कि अगर तुम्हें असली बात जाननी है तो तुम्हारा जो ये तरीका है, पद्धति है, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं। बिंदु को वो प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। फिर बड़े प्यार से नंदन बिंदु से पूछते हैं कि अच्छी तरह से बताओ तुम क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने उतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया। किंतु बिंदु तो बहुत डर गया था, घबरा गया था और खोया खोया धरती की ओर देखता रहता था। नंदन बहुत आग्रह करके उसे पूछता है, बहुत समझाता है, तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं लिया है। नंदन फिर भी खिजाने, नंदन फिर भी बिंदु पर गुस्सा नहीं होता। बोला, अच्छा चल देखू तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है। फिर नंदन बिंदु से कहता है कि अच्छा चलो मैं देख कर आता हूँ कि तुमने कूड़ा कहाँ पर फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, तो पहले तो वो थोड़ा डरता है और अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। अंत में वो मुड़कर चुपचाप जहाँ पर उसने कूड़ा फेंका था वहाँ आगे हो जाता है। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। तो नंदन और मालती दोनों उस जगह पर देखते हैं जहाँ बिंदु ने कूड़ा फेंका था, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ दिखता नहीं है। नंदन ने कहा, बिंदु यों हैरान करने से क्या होगा। नंदन प्यार से बिंदु से कहता है कि बिंदु इस प्रकार हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। तू ये बता क्यों नहीं देता कि तू क्या लाया था। तो विद्यार्थी मित्रों, नंदन प्यार से बिंदु को समझाने का और उनसे बात जो है वो निकलवाने का प्रयत्न करता है, लेकिन मालती पहले इतना खींचती हैं कि बिंदु जो है वो बेचारा छोटा बच्चा था तो डर जाता है। तो उसने कुछ चोरी की थी या नहीं की थी, की थी तो क्या की थी, ये बात वो उसे बताने से डरता है। तो बिंदु डर रहा है, मालती गुस्सा हो रही है और नंदन जो है वो बड़े प्यार से बात को बिंदु के पास मनवाने का प्रयत्न कर रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे तो आगे का हिस्सा जो है गद्य का उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।